आज दर्शकों स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता, मैं हूं प्रीति। दर्शकों आज दर्पण के कार्यक्रम में बात करनी है दूरसंचार के माध्यमों की, इसलिए आज बात करने हैं क्योंकि 17 मई को मई महीने की हर 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन की स्थापना भी हुई थी। हम जानते हैं कि पिछले कई सालों में इतने सारे संशोधन हुए हैं, इतनी सारी नई नई शोध आई है, मोबाइल फोन आ गया, इंटरनेट आ गया, टीवी आ गई, और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि सोशल एक्टिविटीज हो, सोशल मीडिया हो या न्यूज हो, दुनिया के देश विदेश की कई सारी ऐसी खबरें होती हैं, कई ऐसे सारे संवाद होते हैं कि बिना तार के बिना भी पलक झपकते ही हमारे पास पहुंच जाते हैं। लोगों का जीवन सरल भी हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं इससे लोग आलसू भी हो गए हैं और कहीं न कहीं इतना आधार रखते हुए हो गए हैं कि इसका सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। कहीं न कहीं ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, लेकिन आखिर कितना सरल बनाया है मनुष्य के जीवन को दूरसंचार के माध्यमों ने, आज इसी बात की चर्चा दर्पण में करनी है। और इस बात की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दर्पण में हमने आमंत्रित किया है रुझान खंबादा जी के, जो आईटी बिजनेस से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविटीज यानी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। रुझान जी नमस्कार, स्वागत है आपका। रुझान जी क्या क्या कहेंगे, 17 मई को दूरसंचार दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, और हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये सारे संशोधन होने से हमारी जो जीवन है इतना सरल हो गया है, इतना समय हम परिवार को दे पाते हैं क्योंकि इतना सरल हो गया है, टाइम बचता है। क्या कहेंगे कि मनुष्य के जीवन में दूरसंचार माध्यमों का, साधनों का क्या महत्व है? मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी बच्ची थी तब वो पीच करके एक चैनल आती थी और वो हम लोग तरसते थे उसको देखने के लिए, और कई बार तो इतना गंदा रिसेप्शन आता था फिर भी कैसे भी आता था देखते थे, और उसमें भी वो खेडू टाइप प्रोग्राम थे जो हमें इंटरेस्ट नहीं होता था फिर भी हम देखने को बैठते थे। एक वो दिन और एक आज दिन है जहाँ पे इतनी सारी चैनल्स है, इतने सारे आपने कहा एंटरटेनमेंट के मीडियम है, जैसे कि ले लो इंटरनेट, ले लो मोबाइल, ले लो एप्स, ले लो उसमें जो अलग अलग अभी तो मोबाइल पे भी अपने चैनल दिखाई देती है। तो यू नो द वे द टेक्नोलॉजी हैज इन द लास्ट 20-25 ईयर्स, जिस तरह टेक्नोलॉजी एक्सप्लोड हुई है, आपका कहना सही है कि इसका सही उपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं देखे जाऊं कि मेरे ख्याल से, क्योंकि जो आदमी सही करना चाहेगा ऑब्वियसली उसके 10 अच्छे गुण हो जाएगा, और जो गलत करना चाहेगा गलत उपयोग उसके 10 वो नुस्खे दिखाएगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि अभी जो आज की तारीख में अगर हम पहले से लेटर स्टार्ट विद द सिंपल मोबाइल थिंग जो 5-7 साल से चल रहा है, उससे पहले पेजर आई थी लेकिन पेजर डिड नॉट वर्क वेल क्योंकि इट वॉज अ वन वे कम्युनिकेशन, बट जहां जहां हमने टू वे कम्युनिकेशन देखी है वो हमेशा अच्छी चली है, वो हमेशा हिट हुई है। ताकि जिस तरह मोबाइल में टू वे कम्युनिकेशन होता है और इंटरएक्टिव है, अभी इंटरएक्टिव का जमाना आता है, इंटरएक्टिव यानी आदमी खुद भी उसको इन्वॉल्व हो सकता है, खुद भी उस पर काम कर सकता है और उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो एक ऐसा महसूस करता है कि वो एक मशीन या डिब्बे से नहीं लेकिन किसी ऐसे ऐसे चीज से बात कर रहा है जो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यू नो सो दिस थिंग्स ऑफ दिस टाइप ऑफ अ चेंज, और मैं कहूंगी कि ये चेंजेस फॉर द बेटर हो रहा है। और अभी तो आगे भी बात करेंगे लेकिन अभी तो इतना फ्यूचरिस्टिक हो गया है कि अभी आपको मोबाइल की भी जरूरत नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी या जिसे सिक्स सेंस कहा जाता है, कि आपके मोबाइल के बिना भी जस्ट एक जेब में छोटा सा डिवाइस डाला गया है तो आपके हवा में, आपके जो आपने अगर पिक्चर्स में देखी हो तो क्या कहते हैं, जिस तरह वो मैट्रिक्स में थी, आई थिंक मिशन इम्पॉसिबल में थी, ये सब पिक्चर्स में था कि एक एक हवा में वो लोग कुछ देख सकते थे, कुछ महसूस कर सकते थे जो हम नॉर्मली मोबाइल पे देखते। सो इतने चारों चेंजेस आए, सो आई थिंक वी आर मूविंग इन अ वेरी पॉजिटिव है। और हाँ, ये जो इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं दूर संचार दिवस, तो ये बहुत अच्छा है ताकि हमें वी कैन गेट बैक टू अवर रूट, क्योंकि हमें हमारे रूट कभी भूलने नहीं चाहिए। बिल्कुल, यानी परिवर्तन की शुरुआत काफी सालों से हो चुकी है और ये परिवर्तन दिन ब दिन आगे जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब टेलीफोन आया तब लैंडलाइन टेलीफोन था, यानी घर में एक ही जगह पे बैठ के हम बात कर सकते थे। उसके बाद जो नया संशोधन हुआ मोबाइल फोन आया, लेकिन वो इतना हैवी वेट था और इसमें इतने फंक्शंस नहीं थे। आज हम फोन देख रहे हैं कि पतला है, एकदम छोटा भी, और साथ ही साथ पूरी दुनिया जैसे कि पूरा विश्व जैसे कि एक फोन में ही सिमट गया हो। अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो बस वो गूगल में हम टाइप करते हैं और जान लेते हैं। लेकिन क्या कहेंगे रुझान जी, जिस प्रकार से परिवर्तन आया है, हम जानते हैं कि परिवर्तन बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहले देश विदेश में अगर हमारे जो स्नेही जन रहते थे, परिवार के लोग रहते थे, उनसे अगर हमें संपर्क करना होता था तो हम तार लेते थे और दिनों के बाद, या मैं तो कहूंगी महीनों के बाद उसका जवाब आता था। आज टेलीफोन से, मोबाइल फोन से और इंटरनेट से ये कितना सरल हो गया है, क्योंकि स्नेही जन बहुत ही नजदीक आ गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक सदुपयोग हुआ है उसका?
बहुत बहुत अच्छा सदुपयोग हुआ है, सिर्फ सिर्फ स्नेहजनों के लिए नहीं, हमारे बिजनेस में भी आप बोलो तो अभी विद इन सेकंड मैसेज जाते, विद इन सेकंड मैसेज आते। हाँ वो बात सही है कि वो एक अलग मजा थी, या आई डोंट नो उसको मजा कहते हैं कि वो उत्सुकता थी कि भाई मेरा तार पहुंचा के उसको मिला के, या मेरा लेटर पहुंचा के, या यू नो हम लोग जो पेन फ्रेंड्स का वो पोस्ट कार्ड लिखते थे तो वो 21 दिन के पास पहुंचता था फिर उसका जवाब आता, तो नहीं एक वो अलग अलग जनरेशन था आज का। और अगर वो आज होने जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, आदमी का पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जो कहते हैं ना हम लोग इंसान जो दौड़ रहा है, जो मनुष्य की दौड़ चल रही है, खुद के साथ बोलो आसपास के साथ बोलो, जो हम कहते हैं कि अब हम लोग पहले एक, एक 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 विलेज था उसको पता नहीं था कि उसके आसपास में क्या हो रहा है, अब तो यहाँ बैठे बैठे मुझे अगर कहीं एक छोटे से जगह पे लेट से स्कॉटलैंड में एक छोटी सी जगह है उसका भी मुझे आज यहाँ बैठे बैठे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो और हमें सब अभी इससे कि हम थोड़े इम्पेशेंट भी हो गए, इम्पेशेंट यानी हमें सब कुछ एक साथ करना होता है, जैसे कि अभी जिससे हमें मल्टी टास्किंग कहते हैं कि भाई हमें ये भी करना है, ये जानकारी भी चाहिए, यहाँ एंटरटेन भी लेना है, यहाँ पे हमको क्या कहते हैं कुछ चीज ऑर्डर भी करनी है, तो इससे मैं तो यही हमेशा कहती हूँ कि इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत हो रहा है। जैसे अगर लेटर से अगर यहाँ आज मैं बैठी हूँ, पहले तो क्या आपने जा ही नहीं सकते थे, ऑफिस में बैठो भाई काम है और के करना पड़ता है, अभी तो आप कहीं भी जाते हो आपके साथ मोबाइल है लैपटॉप है आपका काम हो जाता है। दूसरा कि जो हम लोग अभी ई कॉमर्स की बात करेंगे, ई कॉमर्स में अभी लेटर से मेरे पास टाइम नहीं है, या टाइम होता है तो रात को टाइम होता है तो रात को कोई दुकान नहीं होती है शॉपिंग करने के लिए, और ओके मैं एक दुकान में जाऊंगी मेरे को 25 चॉइस मिलेंगे, उससे ज्यादा शर्ट खरीदना है 25 चॉइस मिलेंगे, ज्यादा चॉइस नहीं मिलेंगे, लेकिन और ओके मुझे नहीं चाहिए फिर भी अगर कोई ओकेजन आ रहा है तो मुझे जबरदस्ती लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं और कहीं और जाने का, तो थैंक्स टू ई कॉमर्स ये सब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं रात को 2 बजे भी ऑनलाइन लॉग इन कर लूंगी, 50 शर्ट 500 शर्ट देखूंगी, जो पसंद आएगा मैं लूंगी। लेने के बाद और एक फायदा है कि अगर मुझे पसंद नहीं आया, मुझे सूट नहीं हुआ, मुझे मैच नहीं हुआ, मेरी साइज नहीं आई, तो मैं उसको वापस भेजूंगी, उसका भी मुझे पैसा नहीं लगता है, जबकि अपने रिलेट से उससे लेकर आते हैं मॉल से या कहीं दुकान से कोई शर्ट, और अगर सही नहीं लगता है, मम्मी बोलती नहीं अच्छा नहीं लगता है, तो अपने वापस बदलने जाते तो हमें ही जाना पड़ता है। तो ना ये सब अब सुविधा है, देखो अनलिमिटेड सुविधा आ रही है, और इसलिए अच्छी बात क्या हो रही है कि आदमी के पास पहले जो 24 घंटे में जो उसको काम एक लिमिटेशन थी काम करने की, और बाकी दूसरा टाइम जाता था, अब क्या हो रहा है कि थैंक्स टू दिस उसको काम भी कर रहा है, दूसरी चीजें भी कर रहा है, तो वो उसका जो एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी, मेरा हमेशा कहना है कि हाँ आप लोग अब ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी कैसे बिगड़ती है, लेकिन मैं हमेशा देखती हूँ कि ये इंटरनेट और मोबाइल और ये जो दूसरी चीजें नई नई आई है उसके कारण आदमी की एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। बिल्कुल से, यानी समय तो बचता है लेकिन जीवन भी सरल बनाता है, सुविधाएं जो है वो जीवन को सरल बनाने के लिए होती हैं, लोग उसका उपयोग करेंगे तो बिल्कुल से उसका महत्व बना ही रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि मैं तो ये बात करूंगी कि आज का जो मनुष्य है वो पहले से आए 25 साल का पहले जो मनुष्य था उसके पहले का वो इतना शिक्षित भी नहीं था, इतना जागरूक भी नहीं था और इतना सशक्त भी नहीं था। आज हम देखेंगे गांव में बैठा बैठा एक किसान भी इंटरनेट की मदद से अपना जो गेहूं है, अपने चावल है, अपना जो अनाज है वो बेच रहा है, अपने फल बेच रहा है। क्या लग रहा है कि अगर गांव में अभी भी कई ऐसे पिछड़ते हुए गांव है जहां पे इंटरनेट और मोबाइल फोन की सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है, आपको लगता है कि धीरे धीरे ये पहुंचाना बहुत ही जरूरी हो गया है, और साथ ही साथ अगर इंसान को मनुष्य को सशक्त बनाना है तो दूर संचार के माध्यम बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तभी हमारा जो विजन है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल इंडिया का पर्पज ही है कि सबसे पहले तो हम लोग एंड जो आपने सही बताया जो गांव तक हमें हमारा पहुंचाना है, इंटरनेट पहुंचाना है, मोबाइल पहुंचाना है, टेलीकॉम वेव्स पहुंचाना है, वाईफाई पहुंचाना है, ताकि वो आदमी वो चीजें यूज करनी चालू करे, क्योंकि जैसे बताया कि सशक्त हो गया, लेटर से उसको पता है कि गेहूं का भाव, एग्जाम्पल एक फार्मर है उसको गेहूं का भाव जाता है मंडी में तो उसको एक ही भाव मिलता है, लेकिन अगर वो मोबाइल पे देखता है ओके मेरी बाजू वाली मंडी में तो ये भाव चल रहा है तो मेरे को ये कम क्यों मिल रहा है, तो इससे आदमी एम्पावर, सब फार्मर्स एम्पावर होंगे, सब फार्मर्स अपनी आवाज उठाएंगे कि नहीं भाई यहाँ ये होता है तो हमको ऐसा क्यों होता है। ऐसे काफी केस स्टडीज है जिसमें दिखाया गया कि जो बहने की यूनियन होती है, कॉपरेटिव होती है, सॉरी वो कॉपरेटिव हो क्योंकि बहनों की खास इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो बहनों के लिए भी खास बनाए जाते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की इसके केस स्टडीज होती है। अगर हम रेडियो की बात करेंगे सिंपल सा, तो अभी गांव में ये खास रेडियो वुमेन हो रही, वुमेन खुद रेडियो चलाती है, बहनों को खुद ज्ञान देती है, अपने लेटर से सिंपल हेल्थ का ज्ञान देती है, खुद के प्रोटेक्शन का, लॉ का, यू नो सो अपने अपने क्या कहते हैं फील्ड का भी ज्ञान देती है, तो इससे क्या हो रहा है कि बहनों की भी एम्पावरमेंट हो रही है। तो इस तरह आप देखा जाए तो हर एक मीडियम, खाली ऐसा नहीं इंटरनेट, रेडियो को भी इस तरह यूज किया गया है। भले आप लोग बोलोगे कि रेडियो तो पुरानी टेक्नोलॉजी के लिए, नहीं रेडियो पुरानी टेक्नोलॉजी भले है लेकिन जो वो गांव गांव रीच करके और इंडिविजुअल्स को जो वो टच करके उनको जो एम्पावर कर रही है, जो ज्ञान दे रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हम देखने जाए तो खाली ये रेडियो बोलो टीवी बोलो, टीवी का अगर हम माध्यम देखते हैं तो टीवी में अगर पहले कोई न्यूज चैनल थे ही नहीं,
हार्डली वो एक घंटे के कई न्यूज आते थे और फिर खत्म हो जाता था। कोई लाइव न्यूज जैसा था नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज जैसा नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता था। और इंटरनेशनल न्यूज भी हार्डली कुछ कभी वीक में एक बार देखने को मिलते थे। लेकिन अब जो 24 आवर्स इंटरनेशनल न्यूज चैनल चल रही है, अगर आप देखोगे तो आप ढूंढोगे इतने न्यूज मिलेंगे, जो चाहोगे न्यूज मिलेंगे। और अभी तो जैसे कि आप अपने मोबाइल पे भी देखोगे, एप्स डाल दिए, तुरंत अभी ब्रेकिंग फ्लैश हो जाएगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ। और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, खाली पॉलिटिक्स लो, पॉलिटिक्स लो, बिजनेस लो, स्पोर्ट्स लो, अपने क्या कहते हैं एजुकेशन लो, आप मेडिकल लो, आप फील्ड जो चाहोगे उसमें सेट कर सकते हो। तो आप देखिए इंसान के पास कितनी सारी सुविधा होगी। जैसे कि अभी मैं हरते फिरते घूमते गाते कहीं से भी मेरे को तुरंत न्यूज मिल जाता है, क्या हुआ, कहाँ हुआ, अर्थक्वेक हुआ। अभी तो अर्थक्वेक हुआ नहीं कि यहाँ सेकंडों में न्यूज पता आएगी कि न्यूज अर्थक्वेक आया, तो हम लोग सब चौके में हो गए कि भाई यहाँ अपने पास है कि नहीं है, यू नो। सो इस तरह की जो चीजें हो रही है, तो वी वुड लाइक टू नो कि अभी एम्पावर्ड आदमी बहुत हो गया है। और मैंने जो बताया कि अभी बाउंड्रीलेस वर्ल्ड हो गया, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इंडिया में और मुझे दुनिया का नहीं पता, मुझे यहाँ बैठे बैठे मुझे वर्ल्ड का पता है। और इसके कारण एक और पॉजिटिव चीज क्या हो रही है कि इसके कारण अभी अगर आप उसकी देखोगे, जो हमारे बच्चे, हमारे यूथ को जो नॉलेज बढ़ रही है, यूथ अभी सिर्फ ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे को इंडिया में जॉब करनी, यूथ ऐसा नहीं सोचेगा कि मुझे खाली यहाँ एजुकेशन ली थी, यूथ का अब जो सोच है वो ग्लोबल हो गई है। वो सोचेगा कि मैं यहाँ इस कंपनी में, जैसे कि मैं कई उसको जानती हूँ इंजीनियर्स को, तो पहले नहीं सोचेंगे मैं इंजीनियर हूँ, यहाँ पे कोई ये सुजुकी में, मारुति सुजुकी में या यहाँ पे जॉब ले लूंगा। अब वो सोचेगा कि नहीं, मैं जर्मनी में BMW में जॉब लूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, थैंक्स टू दिस एम्पावरमेंट। बिल्कुल सर, थैंक्स टू द एम्पावरमेंट। और यूथ के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्व रखता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि यूथ भले ही टेक्नोलॉजी से इतना फ्रेंडली हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दूर संचार के माध्यमों की वजह से अपने फैमिली से, फेसबुक की वजह से अपने दूर रहने वाले मित्रों से तो वो पास आ जाता है, लेकिन पास के जो रिलेटिव है उनसे कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, दूर संचार जो साधन है, माध्यम है, उसके इसके बारे में भी चर्चा